ओसवाल कच्ची घनी सरसों तेल, जो बना है राजस्थान की सौंधी मिट्टी में उपजी शुद्ध सरसों से। स्वाद और सेहत की जोड़ी कमाल, ओसवाल हर रिश्ते का रखे ख्याल। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। भारत देश में आदिकाल से अनेक देवी देवताओं को पूजा जाता है, यहां तक पशु पक्षी को भी पूजा जाता है। इससे छत्तीसगढ़ कैसे अछूता रह सकता है? यहां भी कई तरह के पशु पक्षी से लेकर पेड़ पौधे पत्थर तक को पूजे जाते हैं। इस कड़ी में बालोद जिला के जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पर राजनाज गांव रोड में बसा ग्राम पंचायत माली घोरी, जहां नागवंशी काल के बना कुकर देव मंदिर में स्वान का मूर्ति स्थापित है, जो कुत्ते की वफादारी की कहानी कहता है। 80 दशक में तत्कालीन मध्य प्रदेश के पाठ्य पुस्तक निगम के बाल भारती पर भी पढ़ाया जाता था, जिनके लेखक नारायण लाल परमार थे। श्वान आज भी वफादारी और भगवान के प्रति आस्था दिखाते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण डौंडी लोहारा मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी में बसा ग्राम पंचायत सिरपुर, जहां गायत्री मिशन से जुड़ा हुआ शिक्षक पीलू साहू, जो लगभग 15 से 20 सालों से प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे प्रभात फेरी के रूप में भजन गाते हुए गांव का भ्रमण करता है। उसके साथ आसपास के कुत्ते भी भ्रमण करते हैं, और जब पीलू राम साहू द्वारा शंखनाद किया जाता है तो उसी के सुर में सुर मिलाते हुए कुत्ते भी आवाज निकालते हैं। ये एक अचरण होने के साथ साथ चमत्कारी और अविश्वसनीय लगता है, परंतु सत्य है। पीलू राम साहू योग शिक्षक होने के साथ साथ अनेक तरह के धार्मिक कार्यों से जुड़ा हुआ सामाजिक कार्यकर्ता है, जिसे आसपास क्षेत्र में सेवाभावी के रूप में सेवाकर्ता के नाम से जाना जाता है। पीलू राम साहू पर्यावरण प्रेमी है, जो एक साल में 40 पेड़ लगाने का संकल्प लेता है और पूरा करता है। पेड़ों के संरक्षण संवर्धन के लिए भी जरूरी कदम उठाते हैं। ग्राम नेताओं, सरपंच ग्राम पंचायत बगई कुना, तहसील डौंडी लोहारा, जिला बालोद, विगत 5 वर्षों से हमारे ग्राम पंचायत बगई कुना के आश्रित ग्राम श्रीपुर में परम श्रद्धेय श्रीमान शिक्षक पीलू राम जी साहू सुबह 3 से 4 के बीच 5 वर्षों से प्रभात फेरी शंखनाद के साथ करते हुए और उनके साथ कुत्ते भी शंखनाद करते हैं। ये हमारे गांव के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्वर्गीय कपिनाथ भोसार जी के मार्गदर्शन में 1997 में गायत्री परिवार से जुड़ा, तब से आज तक लोगों का आशीर्वाद प्यार मिला, गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद मिला और घर घर गांव गांव जा करके लोगों के बीच में गुरुदेव का संदेश देता हूँ, विचारों को पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। और साथ ही साथ भैया जी के मार्गदर्शन में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे प्रभात फेरी चला रहे थे, उनके पीछे पीछे मैंने चला और तब से लेकर आज तक के सन 2009 से आज तक प्रभात फेरी में चल रहा हूं, और मेरे साथ ग्रामवासी भी चल रहे थे, लेकिन किसी कारणवश वे लोग नहीं चल पाए। और तब से लेकर आज तक मेरे साथ इस ग्राम के कुकुर देव के रूप में कुकुर है ना, स्वान कुत्ता लोग जो है चलते हैं, जो बड़ी ही खुशी होती है मुझे। मेरे संग घंटी एवं ढपली के स्वर में साथ देते हैं। प्रतिदिन प्रातः 4 बजे से लेकर 4:30 तक आधा घंटा नियमित चलते हैं, मैं अपने आदत में शामिल कर चुका हूं। और मेरा जीवन का लक्ष्य है स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पहला सुख निरोगी काया और सादा जीवन उच्च